गरीबी हटाओ का नारा दिया और आखिरी में जब शहीद हुई उससे एक दिन पहले कि मेरे एक एक खून का कतरा इस देश के काम आए। आज जो प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून वापस लेने का जो ऐलान किया है, ये किसानों की एकता की जीत है, अन्नदाता जीता है, मोदी और अमित शाह का घमंड हारा है, उनका षड्यंत्र हारा है। आज भी मोदी जी को उन 700 किसान जो शहीद हो गए आंदोलन करते हुए, इन 3 काले कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए, उन शहीदों को नमन करना चाहिए था, देश से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, अन्नदाता से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। देर आए दुरुस्त आए, हमें तो अभी भी ये लगता है कि इनके मन में बेईमानी है। केवल ये चुनाव में जो झटका इनको उपचुनाव में लगा है और आगे आने वाले चुनाव हैं उनको देखते हुए फिर कोई एक नए षड्यंत्र की रचना रची जा रही है। जो सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी थी उस कमेटी में भी इनके खिलाफ फैसला आने वाला था, ये इनको सब पता चल गया था, क्योंकि कब तक मैनेज करते कोर्टों को इसकी भी एक लिमिटेशन होती है। और अब जब सब कुछ उजागर हो गया है देश के सामने कि ये इन्होंने जो बड़े पूंजीपतियों से मिलकर के षड्यंत्र करके किसान की खेती के ऊपर कब्जा करने की, उनकी उपज के ऊपर कब्जा करने की नीयत से ये 3 काले कानून लेकर के आए थे, आज भी इनके मन साफ नहीं हैं। लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हर किसान के संघर्ष के साथ में कांग्रेस पार्टी खड़ी रही है। कांग्रेस और कांग्रेस का और किसान का चोली दामन का साथ है। जब भूमि अधिग्रहण कानून ये लेकर के आए थे, चाहे भट्टा परसोल की घटना की बात हो, हमेशा जब भी किसान के ऊपर दिक्कत आई है, कोई आंदोलन किया है, तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में साथ खड़ी रही है, आगे भी खड़ी रहेगी। इनका अहंकार देश के सामने एक्सपोज हो चुका है, इनकी बेईमानी देश के सामने एक्सपोज हो चुकी है, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और भविष्य में जो वादे इन्होंने किए थे कि किसान की आमदनी दुगुनी करेंगे, उन वादों के ऊपर इनको काम करना चाहिए, यही प्रजातंत्र का तकाजा है। लेकिन इनसे उम्मीद नहीं है। आज भी किसान जो मांग करेंगे या किसान जो लाइन लेंगे, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। धन्यवाद।